hello everyone so today i'm going to explain lesson number 10 gandhiji the father of nation in hindi okay. uh, i have already uploaded the explanation of this lesson in english so on my channel it is there if you want you can watch it also so let's begin the living room of mr sudhi roy mrs roy is reading a newspaper कविता ट्वेल्थ एंड पूजा नाइन एंटर द रूम दे हैव कम फ्रॉम द स्कूल सो यहाँ पर ये स्टोरी मिस्टर सुधीर रॉय के घर में हो रही है ये सीन मिस्टर सुधीर रॉय के घर में हो रहा है ये उनके लिविंग रूम में हो रहा है ठीक है सो so, यहाँ पर मिसेस रॉय जो कि मिस्टर सुधीर रॉय की, की वाइफ है न्यूज पढ़ रही है वह अपनी लिविंग रूम में बैठी है और न्यूज पेपर पढ़ रही है कविता जो कि एक ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड गर्ल है और पूजा जो कि एक नाइन ईयर्स ओल्ड गर्ल है वह रूम में अंदर आती है दोनों आते हैं और वे दोनों अभी स्कूल से वापस आई हैं ओके okay? तो यहाँ कविता और पूजा दो सिस्टर्स हैं और ये मिस्टर सुधीर रॉय और मिसेस सुधीर रॉय की डॉटर्स यानी कि बेटियां हैं कविता ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड है और पूजा नाइन इयर्स ओल्ड है ठीक है तो पूजा कहती है हाय मम्मी टुमारो इज अ तो वो मम्मी स्कूल से आने के बाद अपनी मम्मी को हाय कहती है ग्रीट करती है और बोलती है कि मम्मी कल छुट्टी है मिसेस रॉय यस इट इज सेकेंड अक्टूबर टुमारो। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन सेकेंड अक्टूबर तब मिसेस राय कहती हैं कि हाँ कल सेकेंड अक्टूबर है दो अक्टूबर है और कल हम लोग गांधी जयंती 2 दो अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं कविता गांधी yes, तो कविता कहती है हाँ मम्मी मेरी टीचर ने भी मुझे बताया था कि गांधी जी का जन्म यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म दो अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में हुआ था पूजा पूजा कहती है हु इज महात्मा गांधी अब आपको पता ही है पूजा सिर्फ नाइन ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है बहुत छोटी है तो उसे महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी नहीं पता ठीक है तो वो बोलती है हु इज महात्मा गांधी महात्मा गांधी कौन है मिसेज रॉय महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन तो मिसेज रॉय बताती हैं कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है राष्ट्रपिता कहा जाता है पूजा

और इस देश में रहने वाले लोगों की सेवा करने में बिता दिया ठीक है उनके लिए काम किया कविता, गॉड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश अब कविता कहती है कि हाँ गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं ऐसे एफर्ट्स किए हैं ताकि हमारी कंट्री जो कंट्री हमारी कंट्री मतलब भारत देश ब्रिटिश रूल से आजाद हो जाए ठीक है क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों का गुलाम था ब्रिटिशर्स का गुलाम था ठीक है हम लोग फ्री इंडिया नहीं थे हम लोग उनके गुलाम थे ठीक है तो गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए ऐसे अफर्ट सिखाए जिसकी वजह से हमारी कंट्री इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल से आजाद हो गई ठीक है पूजा आई डोंट अंडरस्टैंड मम्मी अब आपको पता ही है पूजा बहुत छोटी सी लड़की है तो उसे यह सब समझ में नहीं आया मिसेस रॉय तब उसकी मम्मी कहती है डू यू रिमेम्बर वेन यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन द स्कूल तो उसकी मम्मी उसे पूछती है पूजा को पूछती है कि क्या तुम्हे याद है कि तुम स्कूल में या तुम्हारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है पूजा पूजा कहती है सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन फिफ्टीन अगस्त तो बोलती है कि हम लोग पंद्रह अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं मिसेस रॉय इंडिपेंडेंस मींस फ्रीडम वी गॉट फ्रीडम ऑन फिफ्टींथ अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री तो मिसेस रॉय यानी की पूजा की मदर उसे कहती है कि इंडिपेंडेंस मीन्स होता है फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी ठीक है? और हम लोगों को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी ठीक है किससे आजादी मिली थी ब्रिटिश रूल से ठीक है जो अंग्रेज थे उनके रूल से हमको हमारे देश को आजादी मिली थी कविता इन दोज टाइम्स द पीपल ऑफ आवर कंट्री फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू गेट फ्रीडम गांधी जी गव लीडरशिप टू तो द पीपल हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश सो हियर इन दोस टाइम मींस जब हम गुलाम थे हमारा देश भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारे देश के जो लोग थे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी किस लिए अपने देश भारत को आजाद करने के लिए ठीक yeah, है और गांधी जी ने उन्हें लीडरशिप दी मतलब कि उन्हें रास्ता दिखाया कि हमें जो लोग भारत को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे उनको एक रास्ता दिखाया उनको एक लीडरशिप दी ठीक है ताकि वह अच्छे से अपने इस लड़ाई को आगे बढ़ा सके और भारत को आजाद ब्रिटिश रूल से करवा सके पूजा टुडे आवर टीचर शोड अस द फोटो ऑफ गांधी जी फिर पूजा कहती है कि हाँ आज हमें हमारे टीचर ने यानी हमारी शिक्षक ने हमें गांधी जी की फोटो भी दिखाई थी मिसेस रॉय देर इज द स्टैचू ऑफ गांधीजी जी एट द जंक्शन नियर योर स्कूल से वहां पर हाँ गांधी जी की स्टैचू यानी कि एक मूर्ति भी लगी हुई है कविता बट इन द फोटो एंड स्टैचू गांधी जी इज हाफ ने अब कविता अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी फोटो में और स्टैचू में गांधी जी जो है वो हाफ नेकेड है यहाँ बच्चों हाफ नेकेड मीन उन्होंने अपने अपर बॉडी पे कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं ठीक है ठीके? तो कविता बोलती है कि ऐसा क्यों है मम्मी क्या उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे तो मिसेस रॉय कहती है गांधी जी वोर गुड क्लोथ्स वेन ही वाज यंग जब गांधी जी छोटे थे तो वह बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे बट वेन ही ग्रू अप ही स्टॉप वेयरिंग गुड एंड कॉस्टली क्लोथ्स और जब गांधी जी बड़े हुए तो उन्होंने अच्छे और महंगे कपड़े पहनना बंद कर दिया ऐसा क्यों किया ये हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे ठीक है पूजा वाई मम्मी अब पूजा पूछती है ऐसा क्यों है मम्मी क्यों उन्होंने वो बचपन में तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे लेकिन बड़े होकर उन्होंने महंगे और अच्छे कपड़े पहनना क्यों बंद कर दिया मिसेज रॉय बिकॉज वेन गांधी जी ग्रू अप

ठीक है उस समय हमारे कंट्री के जो लोग थे बहुत ही पुअर थे बहुत ही गरीब थे उनके पास पैसे नहीं होते थे ठीक है उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे तो वो अच्छे कपड़े कहाँ से पहन सकते थे है ना वो गुड गुड क्लोथ्स और कॉस्टली क्लोथ अफोर्ड नहीं कर सकते थे नहीं खरीद सकते थे तो ये देख गांधी जी ने भी अच्छे और कॉस्टली क्लोथ्स पहनना छोड़ दिया ठीक है पूजा दैट मीन्स गांधी जी लव दुअर तो पूजा समझ जाती है कि इसका मतलब यह हुआ कि गांधी जी जो पुअर पीपल थे यानी गरीब लोग थे उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो अच्छे और महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते थे और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे वो बहुत गरीब थे यही देखकर गांधी जी ने भी महंगे और सुंदर कपड़े पहनना छोड़ दिया ठीक है महंगे और अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए कविता यस आवर टीचर द सेम ऑल हु लव गांधी जी मस्ट लव poor. तो कविता कहती है हाँ हमारे टीचर ने भी हमको यही बताया है ठीक है यही बताया था कि जो लोग भी गांधी जी को प्यार करते हैं वो जरूर से जरूर गरीब लोगों को भी प्यार करते हैं क्योंकि जो, जो लोग गांधी जी के फॉलोअर हैं या उन्हें मानते हैं तो वो गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए गरीब लोगों के भी हमेशा उनसे प्यार करते हैं और उनकी मदद करते हैं डिंग डोंग द डोरबेल रिंग्स कभी दरवाजे पर घंटी बजने की आवाज आती है कि yeah. कोई नॉक करता है कोई आया है मिसेज रॉय पूजा गो एंड सी हू रॉय अपनी बेटी पूजा से कहती है कि जाके देखो कौन आया है पूजा इट्स पापा पूजा कहती है कि पापा आ गए पापा हैं। कविता हाय पापा यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो आर यू तो कविता पापा को हाय करती है और बोलती है पापा कल तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो ना है ना तो उसके पापा बोलते हैं मिस्टर रॉय बोलते हैं टुमारो इज अ हॉलिडे बट वी आर गोइंग आउट टू डू सम सोशल वर्क तो कविता के पापा बोलते हैं कि कल छुट्टी है लेकिन हम थोड़ा सा समाज सेवा सोशल वर्क मींस समाज सेवा करने के लिए कल घर से बाहर जाएंगे ओके कविता वॉट आर यू गोइंग टू डू टूमोरो पापा तो कविता बोलती है उसे समझ नहीं आता कि सोशल वर्क का क्या मीनिंग है तो वो पापा से बोलती है कि आप क्या करने के लिए कल बाहर जाएंगे तो मिस्टर रॉय कहते हैं टुमारो वी आर गोइंग टू टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर दे हैव नो वेयर तो मिस्टर रॉय कहते हैं कि कल ऐसा कि आप जानते हैं कल क्या था कल क्या है गांधी जयंती तो इसीलिए मिस्टर रॉय और उसके फ्रेंड्स वो सारे के सारे कल जाएंगे बाहर और जो गरीब बच्चे हैं उनको कपड़े देंगे उनको बांटेंगे कपड़े ठीक है क्योंकि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है या उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है पूजा uh, समझ जाती है कि पापा क्यों कल छुट्टी के दिन घर से बाहर जाकर बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उनको कपड़े बांटने जा रहे हैं तो समझ आ जाता है कि कल गांधी जयंती है और गांधी जी गरीबों से बहुत प्रेम करते थे इसीलिए उसके पापा भी गांधी जयंती के दिन गरीब बच्चों को कपड़े बांटने बाहर जाएंगे मिस्टर रॉय दैट्स राइट। हाउ डू यू नो ऑल दिस तो मिस्टर रॉय को बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी छोटी सी बच्ची को ये कैसे पता चल गया बोलती तुमने सही कहा पर तुमको ये सब चीजें कैसे पता चली पूजा मम्मी एंड कविता टोल्ड एवरीथिंग अबाउट महात्मा गांधी थैंक यू मम्मी थैंक यू कविता अब पूजा अपनी मम्मी बोलती है कि मम्मी और कविता ने मुझे ये सारी बातें बतलाई हैं किसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में इसलिए वह अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर को थैंक यू भी कहती है कविता यू आर वेलकम पूजा और कविता भी उसे थैंक यू करने के लिए वेलकम कहती है वर्कशीट टेन क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्वेश्चन ए इट वॉज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी That our country got freedom. Okay. Question B Independence means freedom. Question C there is a statue of Gandhi at the junction near your school. Question D. They had no money to buy good and costly dresses. Question E. Who love Gandhi must love the poor. Answer the following questions. Question A Why do we call Mahatma Gandhi? the father of nation and the answer is we call mahatma gandhi the father of the nation because all his life he worked for our country and also for the people question b when did we get freedom and the answer is we got freedom on 15th august 1947 question c who ruled our country before we got freedom and the answer is british ruled our country before we got freedom question d what is mr roy going to do tomorrow and the answer is mr roy is going to distribute clothes among the poor children question e when and where was mahatma gandhi born and the answer is mahatma gandhi was born on 2nd october at porbandar in gujarat next क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर here सो हियर नाउ मैच द फॉलोइंग रीड them अलाउड तो यहाँ बच्चों हमें क्या करना है दो वर्ड्स को मैच करके एक नया सिंगल वर्ड बनाना है ठीक है जैसे यहाँ example है बर्थ प्लस डे इन दोनों वर्ड्स को मिलाने से हमें एक नया वर्ड मिल जाएगा एक नया सिंगल यानी कि एक अकेला वर्ड मिल जाएगा बर्थडे ठीक है तो यहाँ पर हैंड प्लस लूम बन जाएगा ठीक है फायर वुड फायर वुड प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड क्वेश्चन नंबर फोर नाउ फिल इन ब्लैंक्स यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस uh, बनाने हैं ठीक है देखे? तो इस ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है वो फर्स्ट फॉर्म में दिया है बेस फॉर्म दिया है ठीक है तो इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें यहाँ पर लिख कर सिंपल पास के सेंटेंस बनाने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन ए गांधी जी गेव गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव गांधी जी गेव लीडरशिप टू द क्वेश्चन बी वी गॉट फ्रीडम ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ठीक है इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गॉट क्वेश्चन सी आवर टीचर शोड अस द फोटो ऑफ गांधी जी शो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा शोड ओके क्वेश्चन डी गांधी जी वर्कड फॉर आवर कंट्री यहां पर वर्क का सेकेंड फॉर्म होता है वर्ग तो यहाँ पर हमने वर्कड लिखा है ठीक है तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल पास निगेटिव बनाना है तो निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें हमें answer, हमेशा नहीं या नो सुनने को मिले ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए देखिए ही बॉट द बुक तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल पास टेंस में दिए हुए हैं और इसे हमें निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है ठीक है तो ही बॉट द बुक तो यहाँ पर क्या होगा हमें यहाँ पर लिखना हो यहाँ पर डिड नॉट के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है याद रखिए पास टेंस में डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ठीक है और निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पर नॉट लगा है बुक क्वेश्चन बी वी होम वी डिड नॉट गो होम तो यहाँ देखिए, गो फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकेंड फॉर्म वेंट यहाँ लिखा हुआ है ठीक है द कैट किल्ड द रैट द कैट डिड नॉट किल द रैट आई थैंक हिम डिड नॉट थैंक हिम तो यहाँ बच्चों का ये uh, तो आप याद रखिए ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल पास इंट्रोगेटिव बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं क्वेश्चन आस्किंग जहां पर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो ठीक है और उसमें क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस में लगता है तो सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो इसमें इस टाइप्स के सेंटेंस में हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में डिड का यूज करते हैं ठीक है? और यहाँ पर हम वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं ठीक है जैसे ही बॉट द बुक डिड ही डिड ही ब्रिंग द बुक क्वेश्चन मार्क वी होम डिड वी गो होम क्वेश्चन मार्क

तो यहाँ पर हम यूज ऑफ बट बट का यूज पढ़ेंगे ठीक है तो बट कब यूज करते हैं जब हम दो अपोजिटेंस uh, को ज्वाइन कर रहे होते हैं सेंटेंसेस सेंटेंसेस को को या पार्ट्स ऑफ अ कर रहे होते हैं ठीक है तो क्वेश्चन वन देखिए क्वेश्चन ए आई एम हंग्री बट देर इज नथिंग टू ईट मैं भूखा हूं पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है ठीक है तो हम इस दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे बट के साथ आई लर्न द पोएम but I forgot it. The sum, uh, the sum is difficult, but I can do it. The sum was easy, but he could not do it. Okay. Next, use of and. And कब use करते हैं जब हम कोई words या parts of sentence या sentences को join करते हैं और both the sentences जो होते हैं वो similar होते हैं या similar uh, type के होते हैं. ठीक है? जैसे या सॉरी yeah, गाती भी है और वह नाचती भी है तो वहां पर हम शी के बारे में बात करें शी दोनों काम कर सकती है तो हमें बार बार शी लिखने की जरूरत नहीं है क्या लिखेंगे शी सिंग्स एंड डांसेस ठीक है तो इन दो सेंटेंसेस को हम ये शी रिप्लेस करके एंड लगा देंगे हम्म कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट

Everything in time. Okay, first, time I have use it. Second, I will respect my elders. Third sentence, we will be a good citizen. Next, I will learn good manners. I will play games. I will study well. So, this lesson is over, children. Uh, thank you so much for watching.